नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं पूजा वर्मा। अगर आप बिहार में मोटरयान निरीक्षक के पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास अनिवार्य रूप से ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा और आप 10वीं पास होने चाहिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मोटरयान निरीक्षक को गियर वाली मोटर बाइक चलानी भी आनी चाहिए। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कृषि अधीनिष्ठा सेवा कोटी 7 का नाम बदलकर निम्नवर्गीय लिपिक करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में 27 एजेंडों पर मोहर लगी। इसके साथ ही बैठक में परिवहन विभाग का राजस्व बढ़ाने पर भी विचार किया गया। इसके लिए अपनी गाड़ी पर इच्छा अनुसार नंबर चाहने वालों के लिए अब VIP नंबरों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। VIP नंबरों के लिए अलग अलग मूल्य की कैटेगरी बनाई गई है। इसके लिए 641 नंबर चिन्हित किए गए हैं। 1, 3, 5, 7 जैसे ऑड नंबरों के लिए 1 लाख मिनिमम राशि तय की गई है, जबकि निजी वाहनों के लिए 1 लाख की राशि तय की गई है। सरकारी वाहनों के लिए 35,000 रुपए का शुल्क तय किया गया है, जबकि 2, 4, 6 जैसी इवन नंबर के लिए 75,000 रुपए का शुल्क तय किया गया है। इस तय राशि से VIP नंबरों के लिए नीलामी शुरू होगी। कैबिनेट बैठक में दरोगा भर्ती के चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई है। दरोगा भर्ती के लिए अब दौड़ के समय में बढ़ोतरी की गई है। अब दौड़ के लिए 6 मिनट की जगह 6 मिनट 30 सेकंड समय मिलेगा। अंतिम मेघा सूची निर्धारण और न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव किए गए हैं। SC ST को 32% न्यूनतम मार्क्स, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% मार्क्स, वहीं पिछड़ा को 36.5% और सामान्य वर्ग के लिए 40% मार्क्स अनिवार्य किए गए हैं, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई निर्धारित की गई है। बैठक में अस्पताल से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार ने मोहर लगाई। अब सरकारी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को पोशाक मिलेगी। यह फैसला पहले चरण में मेडिकल कॉलेज में लागू होगा। मरीजों को फिंगरप्रिंट से निर्मित पोशाक मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 9.5 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।